मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। 9 सितंबर को हमने आपको एक न्यूज बताई थी कि कौरीन नामी लड़की और इनके भाई बहनों पर इनके वालिद मोहम्मद कलीम जुल्म कह रहे हैं, ये कहकर कौरीन ने कहा था। जिसके बाद मोहम्मद कलीम ने ये कहा कि ये सरासर गलत है, मैं इसका जवाब दूंगा। फिर इन्होंने भी एक बयान दिया था। अब इनकी अहलिया भी बयान देने को तैयार हो गई हैं और उन्होंने ये कहा कि ये 18 साल 19 साल इनके जुल्म सितम सहे हैं कलीम के, और ये अलग इसलिए रहती हैं कि ये बीमार है और इनका देखने करने वाला कोई नहीं। इनकी अहलिया का नाम रूही सुल्ताना है। नाजरीन, हमने इन लोगों को कई बार समझाया कि आप लोग ऐसा मीडिया में आप लड़ लेंगे और बयानबाजी करेंगे तो इसमें आप ही की बदनामी होगी, ऐसा मत करिए। लेकिन ये मुसलसिल एक के बाद एक बयान देते जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल अतीक की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं कौरीन की वालदा बात कर रही हूँ। मेरा नाम रूही सुल्ताना है। मेरे बच्चे मेरे शोहर के पास है रहमत नगर यूसुफगुड़ा में। उन लोगों के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही। मैं देखी वीडियो सब टीवी पे डाले सब बच्चे, और मेरे शोहर के बहुत जुल्म ज़्यादती की तरफ से उनके पास नहीं रहना बोल के मैं वहाँ से आ गई। मेरे शोहर पीते और घर में बहुत गाली गलौज, अच्छे अल्फाज में बात नहीं करते, बच्चों के साथ भी अच्छे अल्फाज में बात नहीं करते। उन्हों बहुत बहुत जहालत बहुत है, उनकी जहालत का सामना मैं नहीं कर सकती। अब मेरे सब्र के इंतहा हो गई। 19 साल के बच्चों को बड़े करी, 19 साल ज़िंदगी गुजारी, आज निकल अभी सब अच्छा होता इंसान, बच्चे बड़े हो गए ना बोले तो उन्होंने एक पराओं को देखे जैसा देखते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, मेरा परिवार है, बल्कि अपनापन नहीं है उनके पास ज़रा भी। और जो उन्होंने 8 साल पहले की बात जो कर रहे, 2015 में ऑपरेशन को मैं पैसे लगाया और ना ऑटो में बैठ के चले गए, सोन सिंचा सब झूठे। मेरी जैसा तबीयत ख़राब हुई, ऑपरेशन होने वाला है कि ऑपरेशन बोल रहे डॉक्टर सजेस्ट करे, इतने पैसे लगते बोले तो उन्होंने इतना लड़े, उन्होंने उनके अम्मा बहन अम्मा और बहना और उन्होंने भी इतना लड़े पैसे न लगना बोल के, घर में तेरे से लंबाड़नी अच्छी है, तू अच्छी नहीं है, तेरे को रखना वेस्ट है, तो रह के फ़ायदा नहीं है, इतने बातें करे मेरे को, इतना टॉर्चर करे मेरे को, पैसे ना लगना बोल के भिजा दिए। भिजा देने के बाद हमारे पापा मम्मी लगाए हर एक पैसा, मेरे को बीमार करके मेरे को छोड़ दिया। हमारे मम्मी पापा खर्चा उठाए, 1 साल तक मेरे बच्चों को फीसा, स्कूल, खाना पीना हर एक, और उल्टा उन्होंने आके यहाँ खा के जाते थे। हम मैं नहीं जा रही तो उन्होंने आना चालू कर दिए थे। हम कितना रोके तो भी उन्होंने आना चालू कर दिए थे, देख देख के आखिर जान दो। फिर बाद में हमारे ससुरे का हार्ट का ऑपरेशन हुआ वहाँ, तो जब मेरे को बुलाया उन्होंने, बच्चा ऐसा पापा का ऑपरेशन हुआ अब्बा का, अब मैं अकेला हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है देखने वाले बोल के। तो आपके शौहर मोहम्मद कलीम का ये कहना है कि आप लोगों के ज़ाती मसाइल में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करते, उनके भाई बहन या उनके वालिद साहब वालदा हर कोई दखल अंदाज करते, ये बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। बहना आ जाते जरी देर में, अम्मा आ जाते जरी देर में, और इन्हों खास बुलाते हमारे शौहर मेरे से लड़ने के लिए, मेरे साथ एक गैर अजनबी के साथ लड़ने के वास्ते बुलाते नहीं, वैसा बुलाते उन्हों। उनकी ज़्यादती इतनी है कि गाली गलौज के सिवा बात ही नहीं करते। जो थे वो हमारे ननद ही छे, बात करे के आके गालियाँ देते, और दोनों बहना है और एक ननद है, उन्होंने नहीं आए, दोनों कैरेक्टर लेस है। बल्कि उन्होंने क्या करते, हमारे शोहर उनका फ़ोन भी बात करने नहीं देते, उन लोगों से बात करने नहीं देते, उन लोगों का फ़ोन पूरा ब्लॉक करके रखे हमारे शोहर खुद। दोनों बहना एक दूसरे के ऊपर मालूम है सब कैसे चाल के है उन लोग।
मैं उनके पास इसलिए नहीं रहना चाह रही कि मेरी जान का धोखा है। वो इंसान की जहालत और गुस्से की इतनी ज़्यादा थी है, कब क्या कर देता नहीं मालूम है मेरे को। मेरे दुश्मन है उन्होंने, मेरी दुश्मनी बच्चों के साथ भी निकाल रहे। मैं समझी बच्चों को अच्छा देख लेते, ये दिना है बच्चों के दिल में मोहब्बत जगा लेते उन्होंने अपने रास्ते, बल्कि सोची, मगर बच्चों के हद से बेहद दुश्मन बन गए। वो देख के मेरी सेहत और ख़राब हो जा रही। मैं उनके साथ नहीं रह सकती, नहीं रहना चाह रही, बस मैं उनसे अलहदा रहना चाह रही। मैं बहुत खुश हूँ उनसे दूर रह के, सिर्फ बच्चों की एक टेंशन है मेरे को, बच्चों की सिक्योरिटी हो जाना, बच्चों को ऐसा घर से नहीं निकालना, उन बच्चों को ये मेरे बच्चे हैं बल्कि अपना के रख लेना, खुशी से उनकी हर जरूरत पूरी करना। आपके शौहर जो है वो आपको बातचीत के लिए बुलाना चाह रहे, आपको बार बार बुला रहे भी कहते हैं, मगर आप नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने एक बार भी मेरे को नहीं बुलाए, मैं उनको कई बार बुलाई, उन्होंने नहीं आए। कहाँ भी बुलाए तो काजी कनवाए, कहाँ भी बुलाए तो मैं नहीं आता हूँ बोले, मेरे को एक बार भी नहीं बुलाया। उन्होंने पीएस के पास नायडू साहब बुलाए तो बराबर गई मैं वहाँ पे, और मैं उनके हरासमेंट की तरफ से उनके साथ नहीं रहना चाह रही, ये वजह से मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ। अब मैं उन्हें बातचीत के लिए बुलाना चाह रही, मैं पीर के दिन बाद जोहर के आना चाह रही हूँ, बच्चों के हक के लिए आना चाह रही हूँ मैं, बच्चों के हक में राइटिंग में उन्होंने क्या लिख के देते उसके लिए आना चाह रही हूँ मैं, बच्चों के लिए। अगर उन्होंने हकीकत में बुलाना चाह रहे, बच्चों का कुछ जरिया बनाना चाह रहे, हक देना चाह रहे, तो पीर के दिन मेरे को कॉल करो, मेरे को बुलाओ, मैं बाद जोहर के ज़रूर आऊँगी बच्चों के लिए। उन्होंने जो बयान दिए कल, जो बयान दिए वो बहुत गलत दिए उन्होंने। सोना वोना मैं लेके आया नहीं, करा नहीं, ना बच्चों का भी सोना वहीं छे, हम शादी में डाले सो भी सोना खा गया, वो भी खा गया, उन सब खा के घर बनाया, उल्टा हमा को झूठ बोल रहा है कि हम ले लेके गए बोल। हम इसमें जाते ही नहीं, उनके साल में एक बार घर को भी नहीं जाते हम उनके, समझे आप? तो ये जो बोल रहे हैं सोना नहीं है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है वो। आपके शौहर बोले कि आप वहाँ पे आए तो आपको रखने के लिए वो तैयार है, या आप कुछ भी डिमांड करें तो आपको देने के लिए भी तैयार है? मेरी उनके साथ कुछ डिमांड नहीं है उनके पास। जो मेरा सोना लिए वो, जो बेच लिए घर को लगाए, जो पैसे लिए वो सब मेरे को वापस कर दो, मेरे ज़िंदगी के गुजारे के वास्ते, मैं कुछ भी करके मैं जीने के वास्ते। कितना है आपका सोना? और सोना 14 तोले था सोना पूरा, और पैसे तो हमारे मम्मी उन्होंने बेचते 5 लाख रुपये नेट कैश दिए उनको, नो ऑब्जेक्शन लेटर में साइन करे खुद। हाँ हाँ है हमारे पास। तो अभी आप चाह रहे क्या हुकूमत से? मैं केसीआर साहब से और असदुद्दीन अवैसी साहब से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से सबसे एक गुजारिश करूं, सिर्फ मैं ये चाह रही हूं कि मेरे बच्चों का हक ना छीने, बाप रह के ननंद रह के उनको अपने बच्चे हैं अपना खून है, बल्कि उन लोगों का एहसास नहीं है, उन लोगों को घर से निकाल दे रहे उल्ला, कई बार हकाल दिए, अब के भी ऐसी देख रहे हैं आप वीडियोस में कैसा हकाल दे रहे हो उन लोगों का, ऐसा हकाल देते गए तो फिर बच्चे कहाँ जाना, यहाँ रहना मैं, मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, मैं जॉब करके जी रही, तो वहाँ पे भी जॉब कंसर्न भी मेरे को निकाल दिए। अब आगे यही चाह रही हूँ कि मेरे को बच्चों का हक नहीं मारना, बच्चों को हक देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H News, सिर्फ आपकी आवाज़।